हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स का लेक्चर नंबर 6। इसमें हम लोग इन दोनों की प्रिपरेशन करेंगे, हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन दोनों की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट से लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देर किए हुए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ऑल कर दें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसको आप सबसे पहले देख पाएँ। ठीक है, क्योंकि यार आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन्स। ठीक है, हेलो एल्किन्स। सबसे पहले हम लोग हेलो एल्किन्स की प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद हेलो एरिन्स की। इसमें भी एक हेडिंग लगानी पड़ेगी हम लोगों को, फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल्स। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करेंगे, एल्कोहल द्वारा हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले हम लोगों को एक एल्कोहल लेना पड़ेगा। एल्कोहल कौन से होते हैं, अगर मान लो CH3 और यहाँ पे OH लगा दो तो ये क्या हो गया, एल्कोहल। एल्कोहल कौन से होते हैं, एल्कोहल ये हो सकता है CH2 एथिल, ये वाला हो सकता है एथिल एल्कोहल, ये वाला हो गया मेथिल एल्कोहल। ठीक है, ऐसे ही CH2 ये हो गया, ये भी एल्कोहल है। ठीक है, ये भी एल्कोहल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्री डिग्री एल्कोहल। थ्री डिग्री क्यों कहते हैं, क्योंकि एल्कोहल जो ग्रुप है वो अगर जिस कार्बन से लगा है वह कार्बन किसी तीन कार्बन से लगा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं 3 डिग्री। अगर मान लो एक कम होता तो इसको हम लोग कहते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, समझ गए, तो ये सारे के सारे एल्कोहल होते हैं। ठीक है, अब हम लोग एल्कोहल द्वारा प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग जो है एल्कोहल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने मेथिल एल्कोहल ले लिया। अब और क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे और लेना पड़ेगा HCl। ठीक है, इसकी हम लोग जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमको बनाना क्या है, हमको बनाना है हेलो एल्किन्स। हेलो एल्किन्स कौन कौन से होते हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप होगा, जैसे कि मान लो ये हो गया, इसमें क्लोरीन लगी है, ये क्या हो गया हेलो एल्किन्स। अगर मान लो CH3 इसके साथ Cl लगा है तो ये मेथिल क्लोराइड, ये एथिल क्लोराइड, ये क्या है, ये हेलो एल्किन्स तो है, क्योंकि इसमें हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है और एल्किन ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं हेलो एल्किन्स। ठीक है, तो हमको बनाना क्या है, हेलो एल्किन्स। तो सबसे पहले हम लोग हेलो एल्किन्स बना लेते हैं। हेलो एल्किन कैसे बनेगा, एक ये वाला एल्किन ग्रुप और ये यहाँ पे ये क्लोरीन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले वो कंपाउंड बना लेते हैं जो हमको चाहिए है या जिसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेथिल क्लोराइड बन गया। अब बचा क्या, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा और OH बचा, तो क्या निकल जाएगा, H2O। ठीक है, ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो आओ अब दूसरी रिएक्शन से समझते हैं। एक दूसरी रिएक्शन लेते हैं, ये हो गई पहली रिएक्शन। ठीक है, नोट करते चलो चीज़ों को ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे दूसरा एक एल्कोहल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे CH3, एक ये मान लो एल्कोहल ले लिया, इसके साथ में हमको लेना पड़ेगा NaBr और H2SO4। ठीक है, ये ले लिया और इसकी रिएक्शन करवा दी। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या बनाना है, जो चीज़ हमको बनानी होगी वो हम बना लेंगे। ठीक है, क्या बनाना है हमको, ये वाला बनाना है हेलो एल्किन बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वही बना लेते हैं CH3, फिर यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन हमको इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, ये कोई भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, कोई भी हेलोजन जो है वो हो सकता है। ठीक है, ये बन गया, फिर उसके बाद क्या निकलेगा, यहाँ से देखो ये निकल गया और क्या है, यहाँ पे Na है। अब यहाँ पे देखो Na और यहाँ पे एक एच, ये वाला ले लो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम बाइसल्फेट, ये क्या बन गया, सोडियम बाइसल्फेट। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हमको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो थे तो एक हम लोगों ने ले लिया, तो एक ही तो बचेगा, तो
तो एक ही तो बचेगा, इतना ग्रुप हमने अलग कर लिया, इतना यहाँ पे ऐड कर दिया सोडियम के साथ, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन ये बचा और बाकी OH बचा, तो क्या निकल जाएगा, H2O। एक रिएक्शन ये हो गई, इस रिएक्शन से भी हम लोग हेलो एल्किन्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन नोट करो, फिर और मिटा के और लिखवाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक हम लोग एक दूसरी रिएक्शन लेते हैं, उसके थ्रू समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या है, ये अल्कोहल मिला है, ठीक है। इसके हम लोग तीन मॉलिक्यूल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर PCl3, अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, अब देखो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या करना है हमको, वो चीज़ बना लेनी है जो हमको चाहिए। क्या चाहिए हमको, हेलो एल्कीन चाहिए, ठीक है। हेलो एल्कीन हम लोग बना लेते हैं CH3 और Cl, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है, तो तीन ये जो आगे लगे हुए हैं इसको हम लोग लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो तीन कार्बन है यहाँ पे, तो तीन कार्बन हो गए, ठीक है। नाइन हाइड्रोजन है, 3 3 9, तो 9 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तीन क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन हो गए, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो बैलेंस हो गया, ठीक है। हमको क्या मिल गया, हेलो एल्कीन। अब देखो क्या बचा है, यहाँ पे तीन ऑक्सीजन बची और तीन हाइड्रोजन बची, ठीक है। यहाँ से ऐसे देखो, ये देखो तीन ऑक्सीजन तीन हाइड्रोजन बचे, और क्या बचा, यहाँ से क्लोरीन तो चला गया, फास्फोरस बचा है, ठीक है, फास्फोरस बचा है। अब देखो क्या बनेगा, H3PO3, ठीक है, ये बन जाएगा एक, ठीक है। और हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा, ये क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरी रिएक्शन समझते हैं, मिटा दें इसको, ठीक है, मिटा देता हूँ। अब देखो एक रिएक्शन और है, फिर उसके बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा इसकी प्रिपरेशन करेंगे। अब देखो लास्ट रिएक्शन है, इसके थ्रू समझ लो। एल्कोहल ले लेते हैं पहले, ये मान लो एल्कोहल, हम एग्ज़ाम्पल के लिए यही ले रहे हैं, आप कोई भी एल्कोहल ले सकते हैं, लेकिन बनेगा वही कंपाउंड, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे इनके कार्बन के नंबर चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे एक कार्बन है तो कभी दो कार्बन हो जाएंगे, कभी तीन कार्बन हो जाएंगे, कभी चार कार्बन हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, एग्ज़ाम में कैसे भी क्वेश्चन आए आप उसको अच्छे से कर देना, बस समझो अच्छे से। आपके आपके समझ में अगर कॉन्सेप्ट आ गया, फिर रिएक्शन कोई भी हो आप अच्छे से कर दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, PCl5 लेते हैं, ठीक है, ये PCl5 है। अब देखो यहाँ पे जो हमको बनाना है, पहले हम लोग वो चीज़ बना लेंगे, ठीक है, CH3Cl ये बना लिया। फिर उसके बाद देखो क्या बचा, यहाँ पे चार क्लोरीन बचे हैं, चार क्लोरीन बचे हैं, और ये वाला, ठीक है, और एक फास्फोरस। तो हम लोग बने, तो एक मॉलिक्यूल बनेगा PO, ये ऑक्सीजन एक आएगी यहाँ पे, और तीन क्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्लोरीन बची, ये कट गया, एक क्लोरीन बची, तीन चली गई यहाँ पे और एक चली गई यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक क्लोरीन बची है, चार जो है वो यूज़ में आ गई, और एक हाइड्रोजन बचा है, तो क्या बन जाएगा, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी, इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे एल्कोहल द्वारा इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आओ अब समझते हैं हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा हम लोग इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है, आओ समझते हैं। मैंने इसको कर दिया इरेज, अब हेडिंग दूसरी लगानी पड़ेगी। अब हेडिंग लगा लो नंबर 2, ठीक है, हेडिंग लगा लो नंबर 2, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो कार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा हम लोग इसकी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ है ही नहीं, प्रिपरेशन करने में कुछ है ही नहीं यार, बस आप चीज़ों को अच्छे से समझ लो, बस हो जाएगा काम। देखो हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और कार्बन प्रेजेंट हो, दो एटम प्रेजेंट हों उनको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब देखो हम एग्जाम्पल लेंगे तब आपके अच्छे से समझ में आएगा। देखो CH3, CH2, CH2, CH3, ठीक है, ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये हो गया हाइड्रोकार्बन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ब्यूटेन,
ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ब्यूटेन, क्योंकि इसमें चार कार्बन प्रेजेंट हैं और इसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग एन लगाते हैं लास्ट में, तो ब्यूटेन। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोकार्बन। अब देखो इस यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा क्लोरीन, क्योंकि हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है हेलो एल्कीन है, और हेलोजन तो हमको लेना ही पड़ेगा। हेलोजन नहीं लोगे तो हेलो एल्कीन कैसे बनेगी। ठीक है, तो हेलोजन लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2 मोल हम लोग ले लेते हैं, फिर इसके रिएक्शन करवा देते हैं यूवी लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में, या तो फिर इसको हीट कर दो। ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो इसकी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दो, या तो फिर इसको हीट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन लगे हैं, ऐसे कर लो, इनको ऐसे बना लो, एक हाइड्रोजन ऐसे प्रेजेंट होगा, एक ऐसे लगा होगा, एक ऐसे लगा होगा। ठीक है, और ये 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन ऐसे कर लो। ठीक है, ये निकल जाएगी, ये निकल जाएगी, तो क्या बन जाएगा, HCl माइनस, HCl निकल गया। ठीक है, HCl निकला और ये क्लोरीन जो है वो इसकी जगह पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH3, वो 3 क्या, एक हाइड्रोजन तो चला गया, CH2 फिर क्लोरीन। तो ये क्या बन गया, ये बन गया, अगर इसका IUPAC नाम लिखो, IUPAC नाम लिखें हम लोग, तो क्या होगा इसका, इधर से काउंटिंग करें, 1 2 3 4। ठीक है, सब कुछ जो है वो बेसिक से बताते चल रहा है, वरना मैं चाहूँ तो इसको अपने हिसाब से लिख सकता हूँ। ठीक है, आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी इससे बढ़िया तो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 क्लोरो क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन, या तो फिर इसको कह सकते हैं इसका कॉमन नेम ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया इसका कॉमन नेम ब्यूटिल क्लोराइड, और ये हो गया इसका IUPAC नेम। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स के थ्रू हम लोग इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, हेलो एल्किन्स को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आओ इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर एक दूसरी रिएक्शन देता हूँ उसके थ्रू समझते हैं हम लोग। ठीक है, इरेज कर दूँ, ठीक है, आप देखो एक दूसरी रिएक्शन लेते हैं उसके थ्रू समझते हैं हम लोग उसमें क्या होगा। देखो एक रिएक्शन ले चुके हैं हम लोग, एक दूसरी रिएक्शन ले रहे हैं। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन ही तो है, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, और कोई एटम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन ही है, फिर हमको क्या लेना पड़ेगा, एक HCl, क्योंकि यार हमको हेलो एल्कीन बनाना है तो हेलोजन लेना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट हो। ठीक है, जब रिएक्शन होगी तो क्लोरीन जो है वो अपने आप भागता हुआ चला आएगा कंपाउंड के पास। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन लगे हैं कार्बन से, ऐसे मिटा लो, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक ये हो गया, अब एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, दो दो हाइड्रोजन लगे हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 2 बॉन्ड लगे हैं, ये 2 बॉन्ड लगे हैं, एक बॉन्ड को तोड़ देंगे हम लोग, एक बॉन्ड को तोड़ देंगे, इसको दे देंगे क्लोरीन और इसको दे देंगे हाइड्रोजन, इनके बीच का भी बॉन्ड तोड़ देंगे हम लोग, इनके बीच का भी बॉन्ड तोड़ देंगे। ठीक है, इनके बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पे इस एक तरफ हाइड्रोजन चला जाएगा, एक तरफ क्लोरीन चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा, CH2 CH3 आ जाएगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे इसके पास, CH3 फिर सिंगल बॉन्ड बचा, फिर CH2, फिर ये क्या हो गया, क्लोरीन ऐड हो गया इसमें। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, एथिल क्लोराइड। ठीक है, एथिल क्लोराइड, ये क्या बन गया, हेलो एल्कीन, बस सिंपल सी बात है, और इसमें कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, आप नोट कर लो, फिर इसको मैं मिटाता हूँ, फिर हम लोग किसी दूसरे मेथड से समझेंगे। फिर एक हेडिंग और डाल लो, हेलोजन एक्सचेंज की, उसके थ्रू समझ लो। ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज, एक हेडिंग ये तीसरी लगा लो, इसके थ्रू समझ लो, हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज क्या है, क्योंकि ये कोई भी मतलब मॉलिक्यूल होगा
उसमें हेलोजन जो है वो पहले से प्रेजेंट होगा, उसको सिर्फ हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये क्लोरीन पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, अब इसको हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग, सॉरी, कपड़ा ले लेते हैं थोड़ा। अरे यार, तार फंस गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, Na और एक आयोडीन, ठीक है, सोडियम आयोडाइड, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन इसके साथ चला जाएगा, ये इसके पास आ जाएगी। ठीक है, इसके पास क्या होगा, पार्शली निगेटिव चार्ज होगा, इसके पास पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शली निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो निगेटिव वाला पॉजिटिव के पास और निगेटिव वाला पॉजिटिव के पास, यानी कि ये वाला निगेटिव इसके पास, ये वाला निगेटिव इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएंगे आपस में, CH3, CH2 और आयोडीन। तो ये क्या हो जाएगा, एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। ठीक है, एथिल आयोडाइड बन गया, इसी को हम लोग कहते हैं हेलो एल्किन्स। और क्या बन जाएगा, Na, और क्या बन जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये तो प्रिपरेशन हो गई हेलो एल्किन्स की। ठीक है, ये प्रिपरेशन हो गई हेलो एल्किन्स की। अब हम लोग समझते हैं हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर मिटाते हैं, फिर समझते हैं हेलो एल्किन्स की, हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन। ठीक है, नोट कर लिया, मिटा दें। ठीक है, मिटा देते हैं इसको, मिटा देते हैं इसको, ये चीज़ भी मिटा देंगे। अब हम लोग हेलो एरिन की प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पे हेडिंग लगा लो, हेलो, हेलो। यार ये रेड वाला जो है वो रेज क्यों नहीं होता, ब्लैक वाला रेज हो जाता है। हेलो एरिन्स, ठीक है, अब हम लोग हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन करेंगे। इसकी प्रिपरेशन करने के लिए हमको पहले से एक एरोमेटिक ग्रुप लेना पड़ेगा या एरोमेटिक मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये मेथिल बेंजीन ले ली हम लोगों ने। ठीक है, मेथिल बेंजीन ले ली, मेथिल बेंजीन, ठीक है, मेथिल बेंजीन, इसको हम लोग कहते हैं टॉलुइन, टॉलुइन, इसको हम लोग टॉलुइन भी कहते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं, इसकी अगर हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दें, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी आयरन, और कैसा होगा, डार्क आयरन, डार्क आयरन की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन इसे करवा दें तो क्या होगा, इन इन सभी कॉर्नर पे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको बनाना क्या है, हेलो एरिन्स, तो हम लोग हेलो एरिन्स बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो क्लोरीन है तो एक क्लोरीन जाएगी यहाँ पे, एक देखो ऐसे करके बनाता हूँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है सभी के पास, हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके पास भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, इसको हटा देगा, ये क्लोरीन जाएगा, हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पर क्लोरीन जो है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, क्लोरीन जो है वो ऐड हो जाएगी यहाँ पे, ये एथिल और ये क्लोरीन ऐड हो जाएगी और एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक क्लोरीन बचेगी, तो क्या बन जाएगा, HCl। ठीक है, एक ये निकल जाएगा। अब ये क्या बन गया, क्लोरोटालुइन, क्लोरोटालुइन, क्लोरोटालुइन बन गई। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहली रिएक्शन से हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन करी। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर इसको मिटाते हैं, फिर एक दूसरी रिएक्शन से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। ठीक है, नोट कर लिया, मिटा दें, चलो इसको मिटा देते हैं, फिर एक दूसरी रिएक्शन से समझते हैं हम लोग हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन को। ठीक है, उसके लिए हमको लेना पड़ेगा एक फिनॉल ग्रुप, यहाँ पर दूसरी रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग, इसके लिए लेना पड़ेगा एक फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के, बेंजीन से डायरेक्ट अगर OH ग्रुप लगा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। ठीक है, एरोमेटिक फिनॉल। ठीक है, ये हो गया फिनॉल, फिनॉल हम लोग इसको भी, सॉरी सॉरी, इसको नहीं कहते हैं,
इसको तो एल्कोहल कहेंगे, ठीक है। अगर एल्किल ग्रुप में OH प्रेजेंट होगा उसको एल्कोहल कहते हैं, और इसमें एरोमेटिक रिंग में अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको फिनॉल कहते हैं, ठीक है। फिनॉल ले लिया, अब क्या हम लोग लेंगे SOCl2, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दें तो क्या बनेगा, ये वाला पूरा निकाल देंगे हम लोग OH। हमको क्या बनाना है, हेलो एरिन, हेलो एरिन बनानी है, ठीक है। अब हम लोग हेलो एरिन बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग वही काम करते हैं जो हमको, जिस काम के लिए हम लोग आए हुए हैं या जिस काम के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्लोरीन यहाँ से एक लेनी है हमको, क्लोरीन ले लो और बना दो, ठीक है। अब देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, एक HCl है, तो एक हाइड्रोजन और HCl निकल जाएगा, और दूसरा क्या है, एक ऑक्सीजन यहाँ से और एक, ये दो ऑक्सीजन हो जाएंगे, एक सल्फर, ठीक है। तो SO2 गैस निकल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एरिल क्लोराइड, सॉरी 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 सॉरी, बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं यार, एरिल क्लोराइड, ठीक है। तो इन दो रिएक्शन से हम लोग हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने इनकी प्रिपरेशन को अच्छे से समझा होगा और चीज़ों को नोट किया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग बात करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।